Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and I hope you all in great health, guys. So today's cue card is describe something that was broken in your home and then repaired. यहाँ पर हमने एक ऐसी चीज बताने जो हमारे घर पे थी जो टूट गई थी जिसको हमने फिर repair किया. And sub cues are what it is, ये कौन सी चीज है. Next is how it was broken की ये चीज कैसे टूटी. Next is how you got it repaired की आपने इसको फिर repair कैसे किया. And the last one is how you felt about it. और end में आपने overall experience के बारे में बताना कि आपको कैसा लगा. सो बिफोर विच आर द सैम्पल आंसर गाइज प्लीज हिट दिस सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फोरगेट टू शेयर दिस वीडियो सो लेट्स बिगेन द सैम्पल आंसर गाइज बींग ए प्लैंड पर्सन आई ऑलवेज ट्राइव हार्ड टू टेक केयर ऑफ थिंग्स इन माई पोजेसन यहाँ पर हमने बताया कि एक मैं बहुत ही प्लान पर्सन बहुत ही त्यारी के साथ चलता है और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरी बिलोंग्स हैं उनकी मैं अच्छे से टेक केयर करूँ हाउ एवर डिस्पाइट आर बेस्ट अटैम्प्ट देू ब्रेक कि हालांकि हम अपने मैं बेस्ट एफ़र्ट देता हूँ कि वो चीज़ों की मैं अच्छे से देख केयर करूँ टेक केयर करूँ पर वो कई बार हमसे तब भी टूट जाती है रिसेंटली आई हैड टू डू ट्रमेंडस वर्क टू रिपेयर अ थिंग इन साइड माई हाउस यहाँ पर हमने बताया कि रिसेंटली एक ऐसा एक्सपीरियंस मैंने किया जब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी एक चीज़ को रिपेयर करने के लिए जो मेरे घर में मौजूद है इट इज़ अ डबल बेड इन माई बेडरूम कि जो सी चीज़ हमने रिपेयर की वो कौन सी थी एक डबल बेड है जो मेरे बेडरूम में है द बेड इज़ अबाउट फिफ्टी ईयर्स ओल्ड कि ये जो सा बेड है पचास साल पुराना है ड्यू टू रेगुलर यूज़ द फाउंडेशन वीकेंड एंड वन डे वेन वी फाइव फ्रेंड्स सेट ऑन दैट वन ऑफ द पिलर्स ब्रॉक डाउन कि ये क्या काफ़ी पुराना और इसकी जो फाउंडेशन है काफ़ी इसका जो बेस है वीक हो गया और एक दिन क्या मेरे हम मैं और मेरे चार दोस्त होते हैं हम पाँचों इस बेड पर बैठे थे इसका जो एक पिलर था वो टूट गया आई रिमेंबर इट बिकॉज वी ऑल फ्रेंड्स फेल एंड देव गफोज ऑफ़ लाफ्टर इन माई होम गफोज का मतलब होता है कि बहुत लाउड लाफ्टर कि मुझे इसलिए ये याद है कि हम शायदों से इकट्ठे वहाँ पर बैठे थे और काफ़ी ज़्यादा हंसे थे मेरे कमरे में फॉर्चुनेटली दैट मोमेंट got रिकॉर्डेड ऑन वन ऑफ माई फ्रेंड्स कैमराज एंड वेन एवर आई वॉच इट आई फील लाइक लाफिंग यहाँ पर हमने देखा कि फॉर्चुनेटली लक के लिए क्या है कि मेरे एक दोस्त ने इसको कैप्चर भी किया सारी इंसिडेंट की क्या वीडियो बनाई और जब कभी मेरा दिल कथा मैं इसको देखता हूँ काफ़ी हंसता हूँ Initially, I didn't take it seriously and thought that I would buy a new bed. However, due to the corona pandemic, most of the furniture shops were not operational. ये initially क्या हुआ कि पहले मैंने इस चीज़ को seriously नहीं लिया और मैंने सोचा कि मैं नया bed buy कर लेता हूँ But corona pandemic की वजह से क्या हुआ कि जो furniture shops थी वो खुली नहीं थी काफ़ी ज़्यादा So I had to leave the idea of buying a new one. तो इसलिए मैंने जो नया bed लेने का जो idea idea था उसको drop कर दिया After that I decided to go for the repair of the bed. कि उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको रिपेयर कर लेता हूँ आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट रिपेयरिंग इट वुड बी एन ईजी टास्क कि पहले मुझे लगा कि मेरे को यह भ्रम था कि ये बहुत ईजी होगा इसको रिपेयर करना हाओ एवर टू माई डिसमे द कारपेंटर कोटेड मी आ हाई अमाउंट यहाँ पर हम डिसमे का मतलब था जो अनएक्सपेक्टेड कोई कंसर्न आ जाए या जा जा, जा, कोई मुसीबत आ जाए जा, उसको हम कहते हैं डिसमे कि जो कारपेंटर था उसने बहुत ज़्यादा पैसे डिमांड करे इसको रिपेयर करने के लिए इन हिज ओपिनियन रिप्लेसिंग ऑल द पिलर्स वेसरी टू गिव द बेड न्यू लाइफ कि उसको बत कहना था कि अगर बेड को सही रखना है तो सारे जो उससे पिलर है उसको चेंज करना होगा एज आई फाउंड इट चैलेंजिंग टू हैव अ कम्फर्टेबल स्लीप इन द एबसेंस ऑफ बेड आई डिसाइडेड टू गो फॉर इट्स रिपेयर कि ये बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए एक कम्फर्टेबल स्लीप लेना इन द एब्सेंस ऑफ बेड की क्योंकि बेड नहीं था और मेरे को सोने में दिक्कत होती थी इसकी वजह से सो मैंने सोचा कि मैं इसको रिपेयर करा ही लेता हूँ द कारपेंटर टुक फोर आस्ट रिपेयर द बेड वॉज बैक इन शेप कि इस बेड को चार घंटे लगे ठीक होने के लिए कारपेंटर ने चार घंटों में इसको ठीक कर दिया और जो बेड था वापस अपनी शेप में बिल्कुल सही हो गया सो देट इट गाइस ये था मेरा सैंपल आंसर रिगार्डिंग दिस क्यू कार्ड सो बिफोर यू एक्सिट द वीडियो गैस प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोट फोर टू शेयर दिस वीडियो एंड आई विल सीन द नेक्स्ट वीडियो गज टिल देन टेक केयर गुड लक फॉर द प्रेपरेशन एंड थैंक यू गाइज